अच्छा मैडम, ये बताइए कि अभी जो तीसरा लहर का जो चल रहा है, इसमें अभी तक आपके हॉस्पिटल से कितना पॉजिटिव पाया गया, कोरोना पॉजिटिव कितना पाया गया अभी तक? 9 पॉजिटिव आए हमारे यहाँ से पीएससी से 9 पॉजिटिव निकला, जिसमें से 3 अदर ब्लॉक के हैं, 2 अदर ब्लॉक के, 1 अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, 6 गुड़ौल ब्लॉक से 6। तो 6 सब अलग अलग ग्राम के होंगे? हाँ, अलग अलग जगह के। तब ये बताइए, जिनको निकल गया है, जिनको कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? वो कहाँ, अभी कहाँ, वो अपने घर में है या उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि होम आइसोलेट होके रहें, और दवा उनको उपलब्ध कराया जाता है लेने के लिए। अच्छा, और उनको होम आइसोलेशन में रहने के लिए बोला जाता है। अभी तक तो इतनी ही सुविधा हम लोग। तो उनके जैसे वो तो होम आइसोलेशन हो गए, उनके पड़ोसी के सुरक्षा का क्या इसमें? नहीं, और उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कराते हैं, जैसे जिसका पॉजिटिव आ जाता है उनके सभी घर के मेंबर का, अगल बगल का, हम लोग वहाँ पे ये कोरोना जांच करवाते हैं। उनके उनके घर के मेंबर का? हाँ, तो उनके घर के मेंबर का और अगल बगल का भी। तो ऐसा तो अभी हम नहीं देख रहे हैं कि अगर किसी को हो गया है तो वो है वहाँ, लेकिन उसके घर का लोग आना जाना कर रहा है, नाम नहीं छापा गया, ठीक है, लेकिन उस घर के सदस्य जो है वो तो आना जाना कर रहे हैं हर तरह से। उनका उनके घर का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, जो भी पॉजिटिव केस आया है ना उनके घर के लोगों का भी जांच करते हैं, उन लोग निगेटिव पाए जाते हैं तो फिर है उनको केवल बोला जाता है कि आप होम आइसोलेट, घर में भी अलग रहें, जो भी कोरोना नियम है वो सब पालन करें। तो अभी सुरक्षा का कोई खास ही नहीं है सरकार की तरफ से, यानी जो पहले था सुरक्षा के लेकर के हर तरह से, वो अभी नहीं है? अभी हम लोग को जो इतना ही गाइडलाइन मिला है, तो हम लोग जो मिला है हम लोग उस हिसाब से मरीज को वो सुविधा दे रहे हैं। और जांच प्रतिदिन चल रहा है? आज भी जांच हुआ होगा? आज भी बहुत जांच चल रहा है, अभी भी पर डे हम लोग का टारगेट 500 के आसपास जांच का है, तो फील्ड में भी जांच हो रहा है और यहाँ भी 2-3 जगह ओपीडी में जो आ रहे मरीज उनका, या जो खुद से भी आते हैं कुछ लोग जाँच कराने। अच्छा, बाहर से जो अभी मरीज आ रहे हैं और बीमारी के लिए, तो उनके सुरक्षा उनका भी जांच करते हैं हम लोग पहले जांच। हाँ, उनका पहले कोविड जांच करते हैं फिर उनको ओपीडी में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेणु कुमारी, प्रखंड स्वास्थ्य भवन बरौर।